जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बगलामुखी। आज हम RTSE पार्ट 9 में आ गए। अभी सबसे पहला काम मेरा वही रहेगा, RTSE पार्ट 8 में जो क्वेश्चन दिए थे 10-12, ठीक है, उसका आपको हम आंसर दे देते हैं। आप बना लिए होइएगा, सबका बना ही होगा, टाइम लगा होगा, किसी में थोड़ा ज़्यादा समय, किसी में थोड़ा सा कम समय लगा होगा। वही बताए हुए हैं कि दो बार तीन बार बनाने के लिए टाइम को क्या थोड़ा सेव कीजिए, वो कम कीजिएगा। और आज हम अगला रीजनिंग पर आ रहे हैं जो कि कोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग, ABCD होता है ना, ए से लेकर जेड तक। तो हर लेटर 1 से लेकर 26 है, नहीं, पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा, चौथा, सबका अपना कोड है। तो भी रूल के आधार पर, किसी में A1 है, ठीक है, तो किसी में A2 है, किसी में A10 है, तो आपको रूल पकड़ना होगा, जो दिया रहेगा उसके आधार पर रूल पकड़ के और उसका वैल्यू निकालना है। जैसे मान लो कि कहीं लिखा हुआ है क्या, ए बी, ठीक है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 3, इसका मतलब 1+2, यानी क्या, A1 और B2, तो AB = 3, हाँ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, COVER, कवर। इस प्रकार से आपको लेटर याद रखना चाहिए, को कितना नंबर पर कौन लेटर है, वो याद हो जाएगा आपको, कुछ बनाइएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। कहीं रहेगा मान लो कि AB = 2, तब आपको बताएगा man = what, AB = 2 कैसे हुआ, A1 और B2, इसका मतलब मल्टीप्लाई क्या हुआ, नहीं तो 1 × 2 = 2, आपको क्या कहे निकालने के लिए, क्या बोले निकाले, man का निकालना है, तो m का क्या, a का क्या, n का क्या, तीनों को प्लस करके, नहीं, तीनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कहीं पर मान लो लिखा रहेगा कि AB = 6, इसका मतलब क्या, A1 B2 दोनों मिला के कितना, 3, तो 3 का डबल है 6, यानी आगे यदि मेन है उसका निकालना है तो निकाल के उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारा रूल सब होगा, जो रूल आपको अपने से पकड़ना होगा, फॉलो करना होगा कि कौन रूल है, जो रूल है उस आधार पर फिर आप बना दीजिएगा, ठीक है। इजी है क्या, मन लगने वाला है, जब पढ़ने का मन नहीं भी करे किसी को तो निकाल ले RTSE वाला, क्या बनाने लगे, ठीक है। चलो अब हम पहले आपको पिछला का आंसर दे देते हैं, ठीक। बैठे हुए हैं कोई बुजुर्ग भी क्या, तो उनके लिए भी है, ठीक। चलिए, अंधकार होने लगा हो, सबसे पहला काम क्या है मेरा, आंसर लिखना, आंसर सबका सही ही हो क्या, आंसर किसका, RTSE पार्ट 8 का फर्स्ट का आंसर क्या था, 0, यहीं से शुरुआत। सेकेंड का आंसर था
17 इंटू 41 इंटू 19, ठीक है। थर्ड का आंसर था 52, ठीक। फोर्थ का आंसर था 5 और फिफ्थ का आंसर था 56, सिक्स का आंसर था 50, सेवन का आंसर था 62, एट का आंसर था 479, नाइन का आंसर था 110 और टेन का आंसर था 338, इलेवन का आंसर था 5743 और 12 का आंसर था 5। बस यही दिए थे आपको, हो गया। चलिए अब हम आज के काम पर चले आए। रूल आपको अपने से पकड़ना है। आज का पॉइंट क्या है मेरा? कोडिंग। कोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, इसी पर है। जैसे एक क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं कि डी इज इक्वल टू 4, जैसे क्वेश्चन है कि डी इज इक्वल टू 4 और कवर इज इक्वल टू 63, कवर इज इक्वल टू 63, देन बेसिस इज इक्वल टू व्हाट? बेसिस इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब देखिए डी इज इक्वल टू 4, स्पष्ट है कि डी इज इक्वल टू 4, मेरा एबीसीडी का क्या मान लेटर है? फोर्थ लेटर, इसलिए 4 लिया, ठीक है। कवर, कवर में सी का क्या है मेरा? 3। वो क्या मान लेटर पति है, क्या मान नंबर पर है? 15। वी क्या मान नंबर पर है? 22। ई क्या मान नंबर पर है? 5th, नहीं, और आर के मान नंबर पर 18। सबको यदि हम प्लस करते हैं तो कितना आता है? 63। यानी सबका सिर्फ नंबर है, यानी कौन लेटर कितना नंबर पर है वो पता है आपको, यानी बेसिस में भी तो वही चीज होगा, नहीं? बी के मान नंबर पर, दूसरा ए के मान नंबर पर, पहला, ठीक है, और एस के मान नंबर पर 19, आई के मान नंबर पर 9, और फिर एस के मान नंबर पर 90। सबको प्लस कर दीजिए, प्लस करके कितना आ जाएगा? 50। बस हो गया, यानी आपको रूल पकड़ना है, ठीक है, उसके आधार पर इसको करना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ स्पीड आपको बढ़ाना है। जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि क्या भैया 2, एट इज इक्वल टू 20, देखिए ए टी इज इक्वल टू 20, ठीक है, और बैट इज इक्वल टू 40, बी ए टी इज इक्वल टू कितना? 40, ठीक। तो कैट इज इक्वल टू व्हाट? सब अपना सोचने वाला है, कुछ इसमें नया नहीं है, सिर्फ अब पकड़िए, रूल पकड़िए। एट इज इक्वल टू 20, ए टी, एट इज इक्वल टू 20 और बैट इज इक्वल टू 40, तो कैट इज इक्वल टू कितना? ए टी एट, यानी क्या? ए के मां लेटर पहला 1 और टी के मां पर है? टी 20 पर है, ए माने 1 इंटू 20, ठीक है। उसी प्रकार से बी के वहां पर है 2, ए के वहां पर है 1 और टी के वहां पर है 20, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो सी के वहां पर 3, 1, 20 बराबर कितना?
समझ गए बात। यही आपका रूल है, इसी प्रकार से आपको रूल पर बनाना है। जैसे थर्ड ले लीजिए, एक थर्ड ले लीजिए कि थर्ड क्या है भाई, आर इज इक्वल टू सिक्स। जैसे थर्ड है आर इज इक्वल टू सिक्स, पीई एल इज इक्वल टू इलेवन, तो जी ए पी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। आर इज इक्वल टू सिक्स, सिक्स पीई एल इज इक्वल टू इलेवन, तो जी ए पी इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखो आर जो है, आर केवा नंबर पर है, 18th पर। वैल्यू दिया है इसका 6, इसका मतलब 18/3 तब ना हो गया 6, यानी 3/2 हुआ। उसी प्रकार से एक से तो पता नहीं चलेगा, हो सकता है आर 18 है और 6 है, यह तो हम कह सकते हैं -12 नहीं कह सकते हैं, आर -12 जितना नंबर है उसमें से 12 माइनस किए तब 6 आया, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए दूसरा भी देख लो कि दूसरा भी इसी रूल पर है या नहीं है, PEL है तो क्या होगा 16/5 12/3 करके देखो कितना होता है 33/3 11, यानी यह रूल है। क्या रूल है? 3/3 का हो गया। जब 3/3 का रूल है तो GAP 7/1 16/3 24/3 कितना आ गया 8। अब समझ गया, इससे ज्यादा तो नहीं बताने की जरूरत है। अब तो ज्यादा तेज है तुम, हमसे तो ज्यादा तेज है सब, हम तीन को बनाए तो आराम से निकाल लेगा। चलो क्वेश्चन लिखो, या समय बचाया जाए, समय बचाया जाए क्या। फंसा दिया विलम्ब नहीं, फंसा दिया लाइने कट गया। आ गया आ गया, चलिए 12 क्वेश्चन आपका हो गया। एक बार बोल देते हैं, डी इज इक्वल टू 4, कवर इज इक्वल टू 63, देन बेसिस इज इक्वल टू व्हाट, सेकेंड है पालम इज इक्वल टू 43, देन सोमनाथ इज इक्वल टू व्हाट, जेड इज इक्वल टू 52, कैट इज इक्वल टू 48,
then bat is equal to what? Go is equal to 32, SHEC is equal to 49, then sum is equal to what? F is equal to 20, bat is equal to 40, then cat is equal to what? 6. Region is equal to 5, relieved is equal to 7, then government is equal to what? GOVERNMENT. 7. Man is equal to 30, cell is equal to 34, bank is equal to what? RAB is equal to 36, MEC, MEC is equal to 195, then REG, REG, REG is equal to what? 9. IS is equal to 10, LEMP is equal to 16, then SNAP is equal to what? 10. MAP, MAP is equal to 25, MAT is equal to 29, then LAMP is equal to what? 11. Brass is equal to 14, King is equal to 5, then Dumb is equal to what? Man is equal to 84, Bat is equal to 69, then Ram is equal to what? ठीक है. अब आपका क्वेश्चन नंबर 13, रूल आप पकड़ते जाइएगा. कैप, CAP, कैप इज इक्वल टू 6, NO, नो इज इक्वल टू 6. अरे दोनों 6 हो गया भाई, तो डॉट वाला बात ना है. देन गणित इज इक्वल टू व्हाट? GANIT, गणित. 14 है, R इज इक्वल टू 6, PEL इज इक्वल टू 11, देन भवन इज इक्वल टू व्हाट? BHAWAN. 15, NEM, नेम इज इक्वल टू 32, POT, पॉट इज इक्वल टू 51, देन REAL, रियल इज इक्वल टू व्हाट? 16, बनाना इज इक्वल टू 27, मोटोर इज इक्वल टू 16, देन टैलेंट इज इक्वल टू व्हाट? आर इज इक्वल टू 23, रैम इज इक्वल टू 37, देन सर्च इज इक्वल टू व्हाट? SEARCH. 18, एम इज इक्वल टू 10, मैन इज इक्वल टू 25, देन एग्जामिनेशन इज इक्वल टू व्हाट? EXAMINATION. 19, A इज इक्वल टू 26, BG इज इक्वल टू 18, देन देन रीजनिंग इज इक्वल टू व्हाट? अब आ जाइए, T इज इक्वल टू 20, टैग, TAG, टैग इज इक्वल टू 28, देन भारत, BHARAT, भारत इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, बस इतना ही रहने दीजिए. जय मां बंगला.